नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम पार्टिकुलर इंटीग्रल पर बात करेंगे। तो देखिए भाई, पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या है? आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ चुके हैं भाई, अब नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर हम बात करेंगे। पार्टिकुलर इंटीग्रल में जैसे क्या आ सकता है, जो बराबर में अभी बताया था, यहां पर एक साइड कुछ भी आ सकता है, बराबर में जीरो आए तो वो क्या होती है बताइयो? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो वो केस हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, कई सवाल भी उस पर हम कर चुके हैं। तो उस पर क्या था फिर? अब यहां पर e की पावर में ए एक्स, बराबर में e की ए एक्स आ जाए तो कैसे हैंडल करेंगे, ध्यान से समझो। तो उसमें कुछ नहीं करना, d बराबर a रिप्लेस कर देना है। क्या कर देना है? d बराबर a। पीआई निकालना बता रहा हूं, कैसे पीआई निकलेगा? फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 5 कुछ इस तरह का दे रखा है, यहां दे रखा है कि चेक्स, समझ में आया है? तो कैसे सोल्व करेंगे? सीएफ तो उसको सोल्व कर लेंगे जैसे करना था, वो तो मैंने बता रखा है। अब पीआई में बताऊंगा, तो पीआई में फार्मूला क्या था? 1/FD/RHS। तो FD में लिख लूंगा, यहां FD हमने बताया था कैसे निकालना है, और फिर राइट हैंड साइड जो भी है वो e की पावर में होगी, है ना, ये कुछ भी हो सकता है रियल नंबर। तो कैसे सोल्व करेंगे अब हम? बिल्कुल सोल्व क्या करना है, जो ये है इसको बस डी की जगह पुट कर दो, कर दो भाई पुट 36 से, और छिको छिको 36, और ये बताओ भाई 6 × 18 प्लस 5, सोल्व कर लो भाई इसको, ई की 6x 36 और 5 41, 41 में 18 घटा दो भाई क्या बचेगा, 3 × 2 = 23 बचेगा ना। तो जो 1/23 ई की 6x, ये आपका पीआई आ गया। अब पीआई जो जीरो आता था, पीआई आ जाएगा, वो कंप्लीट सॉल्यूशन वाई सी एफ प्लस पीआई। अब यहां पर सी एफ तो लिखेंगे ही, प्लस में पीआई ये और लिख देंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन खत्म। आया है या नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत है? बाय चांस किसी बच्चे को माइंड में ये हो कि भाई 1/(d³)(d²)(5d-6)(e-8x) हो, तो बस -8 पुट कर दो, सोल्व कर दो, जो पीआई आएगा वो पीआई का मान पुट करना है बस। कोई दिक्कत है? ई की पावर वाले समझ में आए भाई कैसे सोल्व करना है? ठीक है। अब बराबर में कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाए, एनी रियल नंबर कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो कॉन्स्टेंट वैल्यू का जमाए आसान है भाई, उसमें तो कुछ भी नहीं है, जैसे उसमें पुट कर दो बस, कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाए तो पुट डी बराबर जीरो। ठीक है, जैसे इन्हीं को बताता हूं, मान लो डी स्क्वायर एफ, हम पी आई निकाल रहे हैं, तो पी आई का फॉर्मूला आपको पता है 1/FD, तो FD जो भी है मैं इसी में बता देता हूं, या फिर कुछ अलग भी ले सकते हैं आप। तो मैंने मान लिया भाई कॉन्स्टेंट वैल्यू 5 आ गई, कुछ भी मान लो 5 आ गई, 7 आ गई, कुछ भी, तो आपने डी बराबर जीरो पुट कर देना है, डी जहां ये जीरो तो 5 है, और ये 5 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा पी आई। आया है नहीं आया? 7 करोगे तो नहीं कटेगा, तो वो 7/5 आ जाएगा। क्या बात है, कुछ भी बात नहीं है, आ रहा है नहीं समझ में आ रहा? तो बताओ एनी कॉन्स्टेंट वैल्यू को सोल्व कर सकते हो? कोई भी e की पावर में आए उसको पी आई के लिए सोल्व कर सकते हो? सी एफ आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। देखो भाई, वैसे यहां साइन ए एक्स आ जाए, कोस ए एक्स आ जाए, क्वेश्चन में और अच्छा समझाऊंगा मैं इनको भाई कैसे सोल्व होंगे, मतलब ठीक है ना, एक प्रोसीजर आप देखते मतलब आपको पता चलेगा भाई कैसे हमने हैंडल करने हैं। ठीक है, वैसे देखो मतलब यहां पर आपने क्या करना है, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करना है भाई। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे यह आ गया 1/(d²)-5 इस तरह का आ गया कुछ भी, और यहां है आपका साइन 6x कुछ भी है, तो आपने क्या करना है बताओ, डी स्क्वायर की जगह -6² तो 36 हो जाएगा, -36 और -5, और जो साइन 6x है वो तो है ही, तो जो पी आई है वो आपका क्या आ जाएगा 1/41 माइनस ऊपर लगाओ नीचे साइन 6x, ये ऐसे। ठीक है, अब वो एक अलग बात है, यहां पर अगर मान लो इस तरह से डी आ जाए, उसको हम रैशनलाइज करेंगे, फिर वो डी ऊपर बच जाए, डेरिवेटिव नीचे बच जाए, इंटीग्रेशन, वो सारी बातें हम बताएंगे कैसे क्या होता है, वो प्रोसीजर आपको सवाल में ही अच्छा समझाया जा सकता है। ठीक है ना, अब फिलहाल आप ये समझो कि इस तरह के क्वेश्चन आए तो कैसे हमने हैंडल करना है। कोस करूं तो कोस में कोई बड़ी बात नहीं है, यहां कोई बड़ी बात नहीं है, बस ऐसे ही पुट होगा, समझ में आया है? अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है भाई। अब एक बात और समझो, साइन हाइपरबोलिक ए एक्स आ जाए, हाइपरबोलिक फंक्शन होता है ये, एच को मतलब इसके नजदीक लिखना है, ये थोड़ा थीटा अलग, या कोस हाइपरबोलिक ए एक्स आ जाए तो उसमें क्या है, इनको कन्वर्ट कर लेते हैं ई में, फार्मूला आपको पता होगा, ई की ए एक्स प्लस यहां माइनस आ जाएगा, और ई की -ax/2। ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर लेंगे, इसको
इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, e के x बस बीच में माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर आपको e की x वाले सोल्व करने आते ही हैं, ठीक है, फिर उसको सोल्व कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे करेंगे मैं सारी बातें बताऊंगा। 1/2 को बाहर निकाल दें, e की x वाला केस आता है हमें, माइनस वाला भी आता, फिर हम सोल्व कर लेंगे। तो यहां तक बताओ समझ में आया है। अब और केस क्या बन सकते हैं, एक्स आ सकता है, एक्स स्क्वायर आ सकता है, एक्स क्यूब, एक्स की कोई भी पावर राइट हैंड साइड में आ सकते हैं, इनको एक्सपेंशन से सोल्व करेंगे, या फिर एक्स साइन एक्स आ सकता है, स्क्वायर आ सकता है, कोई भी पावर प्रोडक्ट में कोस के साथ आ सकती है, ठीक है, या फिर मिक्स भी आ सकते हैं। मिक्स कैसे बला, ई की एक्स भी आ जाए साथ में, इस तरह से भी, तो अब मिक्सिंग में भी आ सकते हैं। तो जैसे भी जैसे आ सकते हैं, जैसे सिकेंट एक्स आ जाए, ये इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इनको मैं बताऊंगा सभी को। फिलहाल आपका यहाँ तक इतना ही है, और जो अच्छी तरह से हम इनको क्वेश्चन में बताएंगे, बाकी जो मैंने बताया है उस पर आपकी जो दूसरी तीसरी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएंगी। आप यहाँ तक नोट कीजिए, इससे आगे फिर मैं एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ, और फिर इस टाइप के आप ई की एक्स आ जाए, कॉन्स्टेंट आ जाए, साइन एक्स कोस एक्स बाद में बताएंगे, पहले ई की एक्स और कॉन्स्टेंट इनको अच्छी तरह से कर लो, फिर ये बेस रहेंगे आगे सभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कीजिए, देखिए देखो भाई जो हमने बताया है उस कंसेप्ट पर हैं ये क्वेश्चन सभी, ठीक है, तो ध्यान से देखिए। अभी हम सिंपल क्वेश्चन पर बात करेंगे, जो केस ऑफ फेलियर के हैं वो बाद में समझाऊंगा मैं, फिलहाल आप सिंपल समझे पहले, ठीक है, तो फिर आप एडवांस पर भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो कोई भी एक सवाल आप इनमें से कोई भी एक सवाल बताओ भाई, कौन सा मैं करवाऊँ, कोई भी एक बताओ, ठीक है, बताओ जल्दी इनमें से कोई भी कर लो, 104 वाला करवा दें, ठीक है। ये देखो फिर ये आ भी रहा कई बार, मतलब सारे कोई भी कोई दिक्कत नहीं है इनमें, तो इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखो जल्दी जल्दी, बताओ शाबाश, डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 25 इंटू वाई आ जाएगा। फिलहाल आप यहाँ लिख के दिखा दो e की 3x। अब जो इसकी आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे 6d m आ जाएगा अब, और प्लस 25 बराबर 0, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया है। यहाँ तक अगर समझ में आया तो अब इसके रूट आप देखोगे नहीं है, तो इसमें मैं लगा दूंगा डी का फार्मूला, बी स्क्वेयर माइनस 4ac लगाएं जल्द जल्द, बी स्क्वेयर बताओ क्या है, 36, 4ac 25, 100 आ जाएगा ना, कितना आएगा, माइनस 64, हाँ, तो फिर डी का रूट निकालना मेरे को, डी का रूट निकालूंगा तो यहाँ भी रूट हो जाएगा, तो माइनस यहाँ और 8 प्लस माइनस आएगा ना, हाँ, और 8 है योट्टा, माइनस के नाम का योट्टा है, ये कर चुके हैं हम। फिर एक्स की वैल्यू निकालो, माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी अपॉन 2a कॉमन निकाल दो, माइनस 3 प्लस माइनस 4, इतना ही टाइम लगना चाहिए, इससे भी कम, ठीक है ना। तो अब बताओ इसको कैसे लिखेंगे, cf को बता सकते हैं, y = e की माइनस 3x को अलग लिख लेंगे शाबाश, फिर ब्रैकेट में cos 4x c1, हाँ वेरी गुड, c2 sin 4x हो गया भाई, आपका cf हो चुका है, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको पता है क्या होता है, तो उसके लिए pi निकालना होगा अब की बार, क्योंकि नॉन होमोजीनियस आप लिख सकते हैं, द गिवन इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो 1/fd राइट हैंड साइड 1/fd, fd क्या है बताओ भाई, हाँ वेरी गुड, डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 25, वेरी गुड, 104 e की 3x। अभी हम आपको प्रोसीजर में अभी अभी बता के आया हूँ, पुट d इज इक्वल टू a है ना, a इज इक्वल टू है यहाँ पर 3, वो कोई बड़ी बात नहीं है, आया है या नहीं आया समझ में, तो पुट करो, कर दो भाई पुट करो, बस यहाँ 9 हो जाएगा, 18 माइनस नहीं भाई प्लस के साथ, ये 25, 18 और ये जोड़ दो इसको, 18 9 27 और 25 52 हो जाएंगे है ना, और e की 3x और 104 को कहीं लिख लो, और ये हो जाएंगे 52 लिख लूँ भाई, यहीं लिख लूँगा, और 52 दूनी हो गए 104, तो उत्तर आ जाएगा आपका 2e की 3x, pi आ चुका, तो लिखो भाई, हैंस कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया भाई, सवाल हैंस कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू cf प्लस pi, तो क्या करोगे भाई इसमें बताओ, cf है जो ये वाला,
सारा यहां उतार दो भाई, और प्लस में फिर पी आई 2e3x। बताओ कोई दिक्कत है, ये आंसर है आपका कंप्लीट। ऐसे आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं भैया एग्जाम में, ठीक है। तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं, 104 दे, 806 दे, कुछ भी मल्टीप्लाई में दे, तो हम e की ax वाला ही केस है वो, और उसको d बराबर a पुट करके हम सोल्व कर देंगे। तो ये तो बिल्कुल सेम है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसकी माइनस के साथ प्लस के साथ कुछ भी दे, आपको घबराना नहीं है। अब इस सवाल को मैं करवा देता हूं। वैसे तो देखो, अब इसी सवाल में मैं आपको बताना चाहूं, इसी में मैं बता दूं, केवल 104 होता तो यहां पर आप एक, अब ये सवाल तो हो चुका। अब ये मानो कि e की 3x नहीं है, यहां पर एक नया सवाल है, ये कॉन्स्टेंट का करवाना चाहता हूं मैं, इसी में 104 है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, यहां तक तो सेम है, ये कॉन्स्टेंट का भी हो जाएगा इसी में, मान लो ये कॉन्स्टेंट था, e की 3x नहीं दिया तो एग्जाम में तो कुछ भी हो सकता है भाई, 104 की जगह और भी कुछ ले सकते हैं आप, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ तक हम सेम आएंगे, फिर भी कोई दिक्कत कुछ भी दो वहाँ, तो फिर यहाँ पर हम पी आई का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ से इसको इरेज कर देंगे, अब यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो कॉन्स्टेंट में डी बराबर ए नहीं पुट को होगा, आपकी डी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। हाँ तो देखो, जीरो पुट करोगे तो ये तो अलग है, अब यहाँ पर करो भाई पुट, तो ये जीरो, ये जीरो, तो 104/25 ये आ जाएगा, आप पी आई यहाँ पर 104/25, तो कॉन्स्टेंट भी हो गया, एक ही एक्स वाले भी हो गए। अब ये मिक्सिंग में आ रहा है, ठीक है, मिक्सिंग में कैसे, मतलब जमा घटा में आए तो वो अलग है, उसको हम ऐसे सोल्व करेंगे जैसे मैं सोल्व करूंगा अब, ठीक है। और भाई इकट्ठे गुणा में प्रोडक्ट में आएंगे तो उसको तो मैं बताऊंगा कैसे होंगे, ठीक है, प्रोडक्ट में आएंगे कैसे, भाई साइन एक्स के साथ आ जाएंगे या फिर हाइपरबोलिक आ जाएंगे, वो मैं बताऊंगा। अभी बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, कॉन्स्टेंट का क्लियर है, ई की एक्स वाले क्लियर है, कॉन्स्टेंट मतलब एनीथिंग कुछ भी आई, समझ में आया है। तो आप वहां एक रियल नंबर ए में समझ सकते हैं, मैं यहां पर ए रिप्लेस कर दूंगा 104 की जगह, तो मतलब ए अपॉन नीचे जो भी आना है वो आएगा, समझ में आया। कोई दिक्कत हो तो फिर भी आप बता सकते हैं। अब इस सवाल को मैं करवाता हूं, ध्यान दीजिए। देखो भाई, अब इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे भाई हम, देखिए। तो इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखवाई, बताओ भाई सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी इसकी, होगी वो डी क्यूब वाई प्लस वन, और वो y है जो वो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, और बराबर में जो भी ये दे रखा है भाई, ठीक है, e की माइनस एक्स 5, e की 2x, वो लिख सकते हैं आप। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बताएं क्या थी, ऑक्सिलरी इक्वेशन जो ये fd है, ये है fd हमारा, इसको जीरो के बराबर रख देंगे, तो m पुट करेंगे पहले इसमें, यहाँ ततक बताओ भाई, आया समझ में, समझ में आया। तो अब यहाँ पर देखो इसके रूट, किसी बच्चे को ये माइंड में हो कि एम की क्यूब उन्होंने उस तरफ माइनस हो जाएगा ये वन, तो ये है गलत, ऐसे नहीं होगा, ये क्यूब है यहाँ पर, ठीक है, क्यूब लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दो फार्मूले पढ़ने हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए, क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। अगर बाई चांस मैं यहाँ माइनस कर देता a माइनस बी का क्यूब, तो यहाँ पर माइनस हो जाता और फिर इसमें सारे में प्लस हो जाता, आया है नहीं आया, समझ में। तो आप समझ सकते हो ना, ये सवाल ऐसे भी आ माइनस भी हो सकता था, वो कोई बड़ी बात नहीं है, अब फिलहाल प्लस में मैं करवा रहा हूँ, तो माइनस में आप HW में कर सकते हैं, ठीक है, होमवर्क में कर सकते हैं उसको। तो यहाँ तक समझ में आया है, तो भाई अब मैं करवा देता हूँ इसको आगे। तो अब बताओ ये कौन सा फार्मूला है, पता है ना आपको, ये है ये, हाँ, तो a प्लस बी, तो m प्लस वन, ए स्क्वायर, तो m स्क्वायर, a का मान ये है, b का ये है, फिर माइनस ए बी, ए बी की गुणा तो m, और फिर प्लस बी स्क्वायर वन, मैं कुछ नहीं बोल रहा, फार्मूला बोल रहा है, समझ में आया है नहीं आया। अब इसको सोल्व कर दोगे, अब कोई दिक्कत नहीं है सोल्व करने में, दो ब्रैकेट हैं, एक बार इसको जीरो के बराबर रख दो, और जी एक बार इसको जीरो के बराबर रख दो, बताओ m की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी, यहाँ से बताओ m के कोई ऐसे टुकड़े हैं नहीं है, तो कोई बात नहीं, d निकाल लो आप, d निकाल लिया करो, कोई बड़ी बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, बी का स्क्वेयर वन हो जाएगा, है ना, और फोर ए सी सभी वन है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का थ्री, की वैल्यू आ चुकी, तो फार्मूला क्या होता है हमारा, माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी अपॉन टू ए, बताओ भाई माइनस बी, बताओ भाई कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, माइनस बी तो प्लस वन हो जाएगा, एक माइनस पहले से है,
प्लस माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू ए टू, ये आ जाएगी आपकी, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन टू प्लस माइनस रूट थ्री बाई टू आयोटा। मान लो अकेली ऐसे आ जाती रूट थ्री आयोटा तो कैसे लिखते थे पता है ना भाई, सीधा कोस और साइन के थीटा में चली जाती थी। अब कुछ इसमें दो प्लस माइनस आ जाए तो वो ई की पावर में ब्रैकेट लगा के लगा देंगे भाई इसको। चलो करो सी एफ लिखवाओ, वाई इज इक्वल टू सी वन ई की माइनस एक्स, इसके लिए तो लिख दिया भाई हमने, और m की दो वैल्यू ये है तो इसके लिए लिखेंगे e की x बाई टू लिख लो या 1 बाई टू, वो कोई दिक्कत नहीं है, 1 बाई टू इंटू एक्स, और फिर ये कोस है, हाँ सी टू आ जाएगा कॉन्स्टेंट यहाँ पर, हाँ कोस साइन के एंगल में आ जाएंगे बस, ये आया समझ में, समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है। बताओ कोई दिक्कत है, ये हो गया भाई आपका सी एफ। आप पी आई और निकलवा दें, पी आई देखो भाई बताओ कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, सी एफ आया है तो आप पी आई निकालेंगे कैसे, होता फार्मूला वन अपॉन एफ डी अपॉन राइट एंड साइड। एफ डी क्या है, डी क्यू प्लस वन होगा ना एफ डी हमारा, देखो मैंने वो लिख रखा है यहाँ, और राइट एंड साइड है जो भी वो कंप्लीट थ्री, हाँ। अब एक बात यहां ध्यान दीजिए आप, क्या ध्यान देना है, जो ये फार्मूला है ये जो राइट हैंड साइड है ये लेफ्ट अगर ऐसे प्लस माइनस में हो एफ डी, इनके साथ अलग इनके साथ अलग इनके साथ अलग, मतलब फार्मूला लिखवा देता हूं आपको कुछ भी, मतलब मान लो यहां पर यू है यहां पर वी है डब्ल्यू है कितने भी चल सकते हैं, हाँ तो ये वन अपॉन एफ डी इंटू यू हो जाता है, वन अपॉन एफ डी इंटू वी हो जाता है, बस शर्त ये होनी चाहिए उनके बीच में प्लस माइनस होना चाहिए भाई, कहीं मल्टीप्लाई में और ऐसे कर दो फिर दिक्कत हो जाएगी, मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐसे नहीं होगा। अब कर देंगे इसको, करो फिर इसको वन बाई डी क्यूब, हाँ वन बाई डी क्यूब इंटू थ्री आ जाएगा, और ये बताओ भाई वन बाई, अब ये तीन क्वेश्चन बन जाएंगे ये मान लो आप, ठीक है ना, ये वन है यहाँ पर, बताओ भाई कोई दिक्कत है। अब इसको सोल्व करेंगे, करें सोल्व, कॉन्स्टेंट में डी की जगह सीधा जीरो पुट करना है तो ये तो वन अपॉन वन आ जाएगा, आगे यहां पर क्या पुट करना है जो भी है, मतलब डी बराबर ए पुट करना है ना, तो ए क्या है माइनस वन, तो वन बाई जीरो, हाँ ई की माइनस एक्स, इसको नोट करें भाई वन बाई जीरो इसके डिब्बे में बनाएं, ये होता है केस ऑफ फेलियर, इसको समझाऊंगा मैं, ये मेरा मकसद है, केस ऑफ फेलियर भी हो जाएगा आपका इसमें, कहीं आपको फेस करना पड़ सकता है, और वन अपॉन बिल्कुल आसान है कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें पांच तो एच डीज रहेगा भाई, इसमें दो पुट कर दे आप, क्या हाँ तो पाँच बटा नौ लिख दूँ डायरेक्ट, पाँच बटा नौ और भाई ई की 2x, यहां तक समझ में आया है। अच्छा यहां पर, हाँ सही बात है, देखो हाँ ये जीरो पुट करे तो ये नीचे वन है तो ऊपर तो थ्री है ना, सही बात है, कोई बात नहीं, वो आप अपने लेवल पर कर सकते हैं। अब बताओ ये है, अब मेरा पी आई तो आ चुका है लेकिन ये केस ऑफ फेलियर को मेरे को सोल्व करना है, तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ आई वन, ठीक है, और इसको ध्यान से समझना भाई इंपॉर्टेंट है, आपको एक कई जगह फेस करना पड़ सकता है, तो केस ऑफ फेलियर को मैं समझाता हूं भाई यहां पर, ठीक है समझा दे यहां। तो क्या था केस ऑफ फेलियर, जब भी आएगा क्या करना है आपने, जो एफ डी है उसका डेरिवेटिव ले लेना है, एफ डी है उसका क्या करना है डेरिवेटिव ले लेना है, तो तीन डी स्क्वेयर वन का जीरो हो जाएगा और वो एच डीज है ई की माइनस एक्स, और जो डेरिवेटिव लिया है उसके नाम का इंडिपेंडेंट वेरिएबल लगाना है, ऊपरला डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ध्यान दो ऊपरला डिपेंडेंट वेरिएबल होता है निचला इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, नीचे जेड है तो यहां पर क्या आ जाएगा जेड, टी है तो नीचे टी, अब एक्स है तो यहां पर क्या आ जाएगा एक्स, आया है ना समझ में, आया गुणा में एक एक्स आएगा, अब पुट करो इसमें, वेरी गुड पुट करो, तो माइनस वन पुट करना है तो एक्स ई की माइनस एक्स, अब माइनस वन यहां पुट करूंगा तो माइनस वन का स्क्वेयर तो थ्री आ जाएगा, ये आ गया, आया है या नहीं आया समझ में, बाई चांस अब भी ये फेल हो जाता तो
तो फिर क्या करता है इसका नीचे का डेरिवेटिव 6d हो जाता है ये, और फिर पुट कर फिर एक एक्स मतलब एक्स स्क्वायर आ जाता। आया है नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक मतलब आपकी समस्या सोल्व ना हो डेरिवेटिव करते चलो बस आप, और एक एक्स लगता रहेगा, पहला एक एक्स, दूसरा डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर, तीसरा एक्स क्यूब, ऐसे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। केस ऑफ फेलियर भी हमारा मित्र है, अब हम इसको भी सोल्व कर सकते हैं, तो इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अब पी आई आपका आ चुका है भाई, क्या है इसकी जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दें आई वन की, और आप लिख दोगे ना वो, तो आप कंप्लीट सॉल्यूशन सी एफ प्लस पी आई, तो देखो सी एफ पूरा ये रहा भाई आपका, और प्लस में पी आई ये रहा, ठीक है, इसकी जगह ये तो आंसर है। तो ऐसे आपने सोल्व करने हैं, और फिर भी अगर कोई समस्या आए वो कोई बात नहीं है, आप समस्या आए तो आप बता सकते हैं, यहाँ आठ आ जाए, एक ही सात एक्स आ जाए, वो आप कर सकते हो ना अपने लेवल पर। अब सवाल तो एक ही काफ़ी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सी एफ आप पहले निकालना सीख चुके थे, अब मैंने ई की एक्स वाले कॉन्स्टेंट वाले आपको अच्छी तरह समझा दिए, और केस ऑफ फेलियर से भी आपको रूबरू करवाया है, और केस ऑफ फेलियर वैसे भी कई बार हम सामना करेंगे जब क्वेश्चन करवाएंगे, अभी फिलहाल आपको समझ में आया है भाई कैसे इस समस्या को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। क्या फार्मूला होता है अगर केस ऑफ फेलियर आ जाए, एफ डी है जो उसका डेरिवेटिव कर देते हैं, और राइट हैंड साइड एज इट इज, पहला डेरिवेटिव तो एक एक्स, दूसरा डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है। तो ये ध्यान में रखना है आपने, कोई बड़ी बात नहीं है, तो ठीक है। तो भाई अब आपने ये सवाल कर लेने हैं, और भी मैथ की मदद से आप कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में साइन कोस पर पढ़ेंगे, फिर हाइपरबोलिक को भी मैं बताऊंगा आपको, वैसे हाइपरबोलिक को आप भी बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाइपरबोलिक को करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। देखो मान लो बाई चांस कौन सा सवाल करवाया भैया हमने, ये करवाया है, ठीक है, इसमें मैं हाइपरबोलिक में घुमाना चाहूँ आपको, देखो एक बार वैसे देख लो आप, हाइपरबोलिक की भी कोई बड़ी बात है ही नहीं कुछ बड़ी, कोस ले लो आप, आपकी मर्जी है कुछ भी ले लो आप, कोस हाइपरबोलिक ले लिया, ठीक है। अब बताओ आप मेरे को बताना, कोस हाइपरबोलिक आ गया, तो अब हाइपरबोलिक में क्या करना है आपने, मैंने क्या बताया था, हाँ इसको ये इक्विवेलेंट होगा किसके, ई की ए एक्स, कोस बुरा आदमी है ना, तो प्लस ले लेगा बीच में, और अपॉन टू, इस टू को तो ये टू इसके नीचे अलग ले लो, इसके नीचे अलग ले लो, वो टू गुणा में हो भाग में, उससे क्या फर्क पड़ता है, बस वो पुट करना फिर उस पर। अब ये तो बिल्कुल आसान बन जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा ना हाइपरबोलिक में भी, बस यहाँ ये ई की एक्स में बटे में दो है वो पड़ा रहेगा भाई, क्या दिक्कत है, ऐसे ही सोल्व होंगे, डायरेक्ट पुट कर देंगे, केस ऑफ फेलियर आए तो आप सोल्व कर सकते हैं उसको डेरिवेटिव से, ठीक है। साइन आए तो साइन में बस यहाँ माइनस आ जाए, उसमें क्या बड़ी बात है, कोई दिक्कत है, तो हाइपरबोलिक भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी समस्या तो आप बता सकते हैं, हाइपरबोलिक कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट कर सकते हैं, ई की पावर वाले कर सकते हैं, प्लस माइनस में आ जाए इकट्ठे वो भी कर सकते हैं, ठीक है, काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भाई ठीक है, अगर कुछ दिक्कत है वीडियो में तो आप बता सकते हैं। तो पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, जय हिंद जय भारत।